एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विभा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट्स। हम इससे पहले नॉन फाइनाइट्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने देखे जिरेंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स। आज हम देखेंगे कि उस पर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, राइट? आपको एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं, ठीक है? उसी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसी टाइप के क्वेश्चन की ही और प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो मैं हर एक टाइप यहाँ पर लेकर चल रही हूँ एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो वॉच इट टिल द एंड और अगर अच्छा लगे ये क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे लगे और आपकी थोड़ी सी भी अगर इनसे हेल्प हो तो प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट स्टार्ट दिस सेशन क्विकली एंड हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर वन। उससे पहले देख लेते हैं डायरेक्शंस, हमें करना क्या है क्वेश्चंस में, राइट? Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. If there is no error, select the option corresponding to no error. आपको क्या करना है? Identify करना है कि sentence के किस part में error है, right? और अगर कोई error नहीं है तो आपको choose करना है no error option. तो देख लेते हैं आज का पहला question. We watched the workmen to repair the tiles of the kitchen. अब अगर देखो आपने मेरी previous videos देखी हैं तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये रूल मैं आपको करा चुकी हूँ। जिसने देखा होगा उसने एक सेकंड में लगाया होगा, क्वेश्चन देखते ही उसको एरर पता लग गया होगा। अब देखो क्या एरर है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। यहाँ पर देखो वर्ब क्या यूज हुई है, वॉच, है ना? मेन वर्ब वॉच है। यहाँ पर आगे आपको एक इन्फिनेटिव दिख रहा है, टू रिपेयर, है ना? एग्जाम में आपको कैसे देखना है, एग्जाम में आपको कभी भी क्वेश्चन का मीनिंग समझने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? नो मैटर आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में नीड पड़ेगी बट मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बिना मीनिंग समझे ही आ जाएंगे। कैसे? आपको बस छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना होता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि वर्ब का एरर होता है ना, सब्जेक्ट ही है तो वर्ब भी आनी चाहिए। किसी क्वेश्चन में टेंस का एरर होता है, मतलब ये छोटे छोटे से एरर्स होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मेरी नजर पड़ी, इस मेन वर्ब पर वॉच है, है ना? और यहाँ पर क्या है, एक इन्फिनिटिव दे रखा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे ही मेरे को ये टू रिपेयर दिखा मेरा माइंड जाएगा इन्फिनिटिव्स की तरफ, राइट? कि टू वी वन है यहाँ पर, है ना? टू प्लस वी वन है, मतलब कुछ ना कुछ ये एरर इन्फिनिटिव जिरेंड यानी कि नॉन फाइनाइट से रिलेटेड है, राइट? अब मैंने एक रूल पढ़ रखा है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आता है बेयर इन्फिनिटिव यानी कि ओनली वी वन, है ना? ये रूल हम कर चुके हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इन्फिनेटिव लेती हैं और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। तो पहले मैं आपको रूल ये दिखा देती हूँ, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा बता देती हूँ। सी, दीज आर द वर्ब्स विच टेक बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर देम। ये कुछ वर्ब्स है जिनके बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव। लेट, सी, हियर, वॉच, फील, मेक। अब वॉच एक वर्ब है इसमें, है ना? वॉच के बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। अब आइए क्वेश्चन पर, हमने क्या यूज कर रखा है, इन्फिनेटिव। तो यहीं पर एरर हो गया, वॉच वर्ब के बाद तो क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर आपको टू रिपेयर के प्लेस पर करना है ओनली रिपेयर, या फिर आप रिपेयरिंग भी कह सकते हो, है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल रिपेयरिंग भी आप यहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सही रहेगा आप रिपेयर लिखो, है ना? बेयर इन्फिनेटिव का यूज करो, लेकिन टू रिपेयर यहाँ पर बिल्कुल गलत है, राइट? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी रूल पर बेस्ड है। देखो, ही वुड नॉट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। अब तो आसानी से आपने एरर पता लगा ही लिया होगा। यहाँ पर देखो क्या वर्ब है, लेट। लेट भी हमने इन्हीं वर्ब्स में देखी, एक वर्ब है, ठीक है? जो क्या लेती है, बेयर इन्फिनेटिव लेती है। तो यहाँ पर भी टू ड्राइव नहीं आएगा, क्या आएगा, ओनली ड्राइव, राइट? लेट भी इन्हीं में ही वर्ब है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, लेट, सी, हियर, वॉच, फील, मेक। लेट भी है इन्हीं वर्ब्स में, तो लेट के बाद भी आपको क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव। तो आप टू ड्राइव नहीं कहोगे, आप यहाँ पर कहोगे ड्राइव, यानी कि पार्ट बी में एरर है, है ना? ही वुड नॉट लेट एनीवन ड्राइव आएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है? एक टाइप तो ये होगी कि ना, कुछ वर्ब्स इन्फिनेटिव लेती है, कुछ वर्ब्स डेफिनेटिव। अब देखो और किस तरीके का एरर एग्जामिनर आपको दे सकता है। ये सेंटेंस देखो, शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यूइंग हर स्टडीज अब्रोड। ये तो मतलब बहुत फेवरेट
एरर है ना एग्जामिनर का, इस पर एरर बहुत आता है एग्जाम में और देख के ही पता लगा सकते हैं स्टूडेंट। बहुत इजी है, देखो हमने क्या पढ़ा है, टू के बाद क्या आता है वी वन, है ना। टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इन्फिनेटिव जिसे हम कहते हैं, राइट। कभी देखा है कि टू के बाद आई एन जी? नो, अनलेस एंड अंटिल वो कुछ फ्रेजेज होते हैं ना, वो हमने किए थे जिरेंड में, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। टू के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहीं पर एरर है, टू कंटिन्यूइंग नहीं होगा, क्या होगा, टू कॉन्टिन्यू, राइट। शी वॉन्ट्स टू कॉन्टिन्यू हर स्टडीज अब्रॉड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, आपको एग्जाम में कहीं भी टू के बाद आई एन जी दिखे तो वो रॉन्ग है, ठीक है। टू के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अगर वो कोई फ्रेज है उस पर भी अभी हम आगे आते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, मैनी पीपल गेट एडिक्टेड टू ड्रिंक नाउ डेज। अब आप कहोगे टू के बाद तो वी वन आती है ना, तो टू ड्रिंक यहाँ पर ठीक है, नो एरर, बट नो, यहाँ पर टू कोई प्रेपोजिशन नहीं दे रखी है ना, यहाँ पर तो टू प्रेपोजिशन थी, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो ये टू इस एडिक्टेड के साथ है, तो मैंने जब आपको जिरेंड कराया था मैंने बताया था कुछ एक फ्रेजेस होते हैं जैसे कि प्रोन टू, एकस्टम्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, है ना, एडिक्टेड टू, ड्यू टू, ओइंग टू, मैंने आपको बहुत सारे फ्रेजेस की लिस्ट बताई थी, उनके बाद आप यूज करते हो जिरेंड यानी कि वी वन प्लस आई एन जी। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियोस तो प्लीज देख लीजिए क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो कर रखी है तो इन एरर्स में कुछ भी नहीं है, आप देखते ही मिनट्स मिनट्स के सेकेंड्स में आप एरर आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैंने आपको कुछ फ्रेजेस बताए थे जिनके बाद आई एन जी आता है और उन्हीं में ही ये फ्रेज है एडिक्टेड टू, तो इसके बाद ड्रिंक नहीं, आप क्या लगाओगे, ड्रिंकिंग। मैनी पीपल गेट एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग नाउडेज, राइट। तो ये टू ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, जब आपको फ्रेज दिखे तब आई एन जी, अदरवाइज टू के साथ वी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है ये अलग टाइप है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इस पर भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैं इसकी छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजिली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इस टाइप का कोई भी एरर आपको दे दे एग्जामिनर, आप सेकंड्स में उसे आइडेंटिफाई कर लोगे। क्या है वो ट्रिक, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बिट हिम, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है आपको दिख जाएगा ये व्हाइल वाले या बीइंग वाले, है ना, इनकी पहचान क्या है, ये स्टार्ट किससे होंगे, व्हाइल से, बीइंग से, ठीक है, व्हाइल बीइंग, इस टाइप के आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे वाइल बीइंग, जिसके बाद आपको आई एन जी दे रखा होगा, ठीक है, बना के ये प्रेजेंट पार्टिसिपल दे रखा है बट एक्चुअल में ये यहाँ पर वर्ब होती है, ठीक है, यही एरर होता है। देखो क्या करना होता है मेन क्वेश्चंस में, आपको वर्ब देखनी है, ठीक है, कौन कौन सी वर्ब है और हर वर्ब के पास सब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। कैसे, देखो एक वर्ब यहाँ पर है बिट, है ना, काटने का काम हुआ है, डॉग ने काटा है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, डॉग, है ना, काटने का काम कौन कर रहा है, डॉग ही तो कर रहा है, डॉग ने बिट किया उसे, ठीक है। एक वर्ब है यहाँ पर वॉकिंग, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं वर्ब होती है, ठीक है, वॉकिंग, इस वॉकिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या दे रखा है क्या, नो। देखो कुछ सेंटेंसेस में ऐसे होगा कि ये जो दोनों वर्ब्स होंगी ना उन दोनों का सब्जेक्ट कॉमन होगा, मतलब दोनों का सब्जेक्ट जैसे डॉग होगा, राइट। कैसे, ये वाला सेंटेंस देखो आप यहाँ पर, व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन, यहाँ पर फेल गिरने की सब्जेक्ट है ही, है ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ही, और जो ये वॉकिंग है इसका सब्जेक्ट भी ही है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही वर्ब का कॉमन सब्जेक्ट है ही और ये दोनों के लिए फिट भी बैठ रहा है। कैसे, ही तो वॉक कर रहा था रोड पे, है ना, और कौन वॉक कर रहा था, ही वॉक कर रहा था रोड पे और वही गिरा, है ना, तो दोनों के लिए ये सब्जेक्ट जो है सूटेबल है, फेल भी ही हुआ और वॉक भी ही कर रहा था, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंस ठीक होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इस वाले में देखो डॉग इस वॉकिंग का सब्जेक्ट हो सकता है क्या, कि डॉग वॉक करते हुए रोड पे उसने हिम को काटा, नो, वॉक कौन कर रहा था रोड पर, ये हिम यानी कि कोई लड़का, कोई मेल, है ना, तो वॉक करने का काम कोई मेल कर रहा था, तो यहाँ पर डॉग नहीं होगा सब्जेक्ट, यहाँ पर आप क्या कहोगे, व्हाइल ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बिट हिम, राइट। तो आपको यही देखना है कि हर वर्ब के पास सब्जेक्ट है या नहीं,
अगर तो ये कॉमन सब्जेक्ट सही होगा दोनों के लिए तो ठीक है, नो एरर। अदरवाइज जैसे यहाँ पर डॉग इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता था, यहाँ पर ही आपका एरर है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ही पता कैसे लगा? इस हिम से, राइट? व्हाइल ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बिट हिम। और सेंटेंस देखते हैं इस टाइप का, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस अगर करोगे ना, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या आप और देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ये बीइंग वाला सेंटेंस है, अगेन वही काम करना है हमें कि ये वर्ब का सब्जेक्ट है या नहीं, राइट? देखो बीइंग अ रेनी डे दे डिडंट गो फॉर मूवी। यहाँ पर देखो गो का तो सब्जेक्ट है दे, है ना, कौन नहीं गए मूवी के लिए, दे, है ना, दे डिडंट गो। लेकिन जो यहाँ पर कोई इसने सब्जेक्ट नहीं लगा कर दिया, मतलब तो यही कह रहा है कि दे ही है दोनों का सब्जेक्ट, है ना। पर दे बीइंग अ रेनी डे हो सकता है क्या? दे रेनी डे है? नो, दे रेनी डे थोड़ी है, गो के लिए तो चलो दे सही है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं लगाया तो यही कहना चाह रहा है कि इसके लिए ये दे भी सही है, पर ऐसा नहीं है, यानी सेंटेंस में एरर है। आपको यहाँ बीइंग वर्ब का कोई और सब्जेक्ट लगाना है, राइट? तो अब आप इस रेनी डे के लिए क्या लगा सकते हो? रेनी डे के लिए आप लगा सकते हो इट, है ना, नॉन लिविंग है। इट बीइंग अ रेनी डे इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे दे डिडंट गो फॉर मूवी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही करना है। अगर ये कॉमन सब्जेक्ट दोनों ही वर्ब के लिए चल जाए तो नो एरर, अदरवाइज एरर इसी पार्ट में होगा ना, चाहे आपको नहीं पता आपको क्या यहाँ लगाना है, बस आप इस पार्ट में एरर लगा देना अगर आपको दिखे कि ये वाला सब्जेक्ट दोनों वर्ब के लिए फिट नहीं बैठ रहा, राइट? फिट बैठ भी सकता है, जैसे ये एग्जाम्पल देखो, बीइंग अ टीचर ही ऑलवेज मोटिवेट्स हिज स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ही सब्जेक्ट है दोनों वर्ब के लिए सूटेबल है, इसीलिए नो एरर है। कैसे? देखो मोटिवेट करने का काम भी ही कर रहा है, और ये जो बीइंग अ टीचर है ये भी तो ही है ना, ही बीइंग अ टीचर ऑलवेज मोटिवेट्स हिज स्टूडेंट्स। तो ये ही यहाँ पर इन दोनों के लिए ठीक है, क्योंकि टीचर के लिए भी ही आ सकता है और मोटिवेट के लिए भी ही आ सकता है ना, पर रेनी डे के लिए यहाँ पर दे नहीं आ सकता था, इसलिए इस सेंटेंस में एरर था, राइट? तो ये हो गई एक और टाइप जिस पर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप भी अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, मुझे भी लगा था ना जब मैंने पहली बार किया, बट अगर आप थोड़े से क्वेश्चन इसी टाइप के और प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना, इट इज वेरी इजी, राइट? आइए अब और टाइप देख लेते हैं, और किस टाइप का आपको एरर मिल सकता है। ये लास्ट टाइप है, इस पर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखो व्हाइल राइटिंग द लेटर ही पोस्टेड इट टू हिज मदर। अब देखो ये है तो वाइल वाला सेंटेंस है ना, अब देखो पोस्ट करने का काम भी ही ने किया है ना, और राइट करने का काम भी ही ने किया, हो सकता है बिल्कुल, तो यहाँ पर वो वाला एरर नहीं है। तो ये मैं कह रही हूँ अलग टाइप है, यहाँ पर वो कॉमन सब्जेक्ट वाला एरर नहीं है, यहाँ पर ये ही देखो दोनों के लिए सही है, पोस्ट भी लेटर को ही कर रहा है, राइट भी लेटर को ही ने ही किया, है ना। तो यहाँ पर क्या एरर है, देखो ये एक अलग टाइप है। व्हाइल राइटिंग द लेटर, लेटर लिखते हुए उसने अपनी मदर को पोस्ट किया। तो लेटर लिखते हुए आप पोस्ट कर सकते हो कभी? खुद सोच के देखो कि आप लेटर लिख रहे हो, है ना, अभी आप लिख रहे हो व्हाइल राइटिंग, ठीक है, लिख रहे हो और आपने पोस्ट कर दिया, लिखते लिखते पोस्ट कर सकते हो? नो, पहले आप लेटर को कंप्लीट लिखोगे उसके बाद पोस्ट करोगे। तो जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर आपने देखी है पार्टिसिपल वाली वीडियो तो उसमें मैंने बताया था कंप्लीटेड एक्शन को हम शो करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से, राइट? कंप्लीटेड एक्शन हम किससे शो करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। हम पार्टिसिपल्स कर चुके हैं प्रेजेंट पास्ट एंड परफेक्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे हम शो करते हैं कंप्लीटेड एक्शन को। तो पहले लेटर लिखने का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आप वाइल राइटिंग नहीं क्या कहोगे? हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल। Having written the letter, he posted it to his mother. ठीक है? लेटर लिखने के बाद उसने पोस्ट किया, तो यहाँ पर while writing नहीं, having written होगा। तो ये एक और टाइप थी, आपको इस पर भी एरर मिल सकता है, ठीक है? While और being वालों में पहली चीज क्या देखोगे? ये सब्जेक्ट वाली चीज, है ना, कॉमन सब्जेक्ट सही है या नहीं है, ठीक है, सही है। तो दूसरी चीज आप क्या देखोगे?
ऐसा कुछ तो नहीं दे रखा कि मतलब शो होना हो कंप्लीटेड एक्शन है ना, और दे रखा हो राइटिंग है ना, आईएनजी दे रखी हो, तो आप वहां पर क्या करोगे, हैविंग प्लस बी थ्री। लास्ट एक और टाइप है, इस पर किस टाइप का एरर आपको मिल सकता है, अब यहाँ पर देखो, हैविंग अरेस्टेड द कल्प्रिट वॉज सेंट टू जेल। अबे देखो, हैविंग प्लस बी थ्री वाला है, परफेक्ट पार्टिसिपल वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको जो परफेक्ट पार्टिसिपल कराया था, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल की दो फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी, एक्टिव एंड पैसिव। मैंने आपको ये चीज कराई थी, परफेक्ट पार्टिसिपल दो टाइप का हो सकता है, एक्टिव और पैसिव। जब एक्टिव होता है तब हम क्या लिखते हैं, हैविंग प्लस वी थ्री। एक्टिव का मतलब जब सब्जेक्ट ही कोई काम कर रहा हो है ना, सब्जेक्ट ही एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, वो होता है एक्टिव। लेकिन जब सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है ना, सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, वो उस काम को नहीं कर रहा होता, लेकिन उस पर एक्शन हो रहा होता है, वो होती है पैसिव फॉर्म। और पैसिव फॉर्म होती है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं आपको करा चुकी हूँ, हैविंग प्लस वी थ्री एक्टिव होती है, पैसिव फॉर्म क्या होती है, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पर, हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री होती है पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कब यूज करते हो इसका, जब सब्जेक्ट किसी काम को कर नहीं रहा होता, सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देखो, यहाँ पर हैविंग अरेस्टेड द कल्प्रिट वॉज सेंट टू जेल, वॉज सेंट, यहाँ पर तो ठीक है, बी प्लस बी थ्री एक्टिव सॉरी पैसिव में ही है कि कल्प्रिट ने किसी को भेजा नहीं, कल्प्रिट को भेजा गया है ना, लेकिन यहाँ पर देखो हैविंग प्लस वी थ्री लिख दे, तो इसका मतलब तो ये कि कल्प्रिट ने अरेस्ट किया है ना, ये आपने एक्टिव में लिखा है हैविंग प्लस वी थ्री, इसका मतलब तो क्या हो गया कि सब्जेक्ट यानी कि कल्प्रिट अरेस्ट कर रहा है किसी को, पर कल्प्रिट अरेस्ट कर रहा है क्या, कल्प्रिट क्या होता है, अपराधी, अपराधी अरेस्ट कर रहा है क्या, नो, अपराधी को तो अरेस्ट किया गया है, राइट। जैसे अपराधी को तो जेल भेजा गया है, तभी यहाँ पर आया है वॉज सेंट, पैसिव, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। लाइकवाइज अरेस्ट भी किया नहीं है इसने किसी को, इसे अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर हैविंग अरेस्टेड नहीं, आप क्या कहोगे, हैविंग बीन अरेस्टेड, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या यूज करोगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हैविंग बीन अरेस्टेड द कल्प्रिट वॉज सेंट टू जेल, राइट। तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, है ना, कि सब्जेक्ट सही है, राइट, और यहाँ पर हैविंग भी लगा दिया, वी थ्री भी लगा दिया, लेकिन आनी कौन सी फॉर्म थी परफेक्ट पार्टिसिपल की, पैसिव फॉर्म। तो ये थे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको नॉन फाइनाइट्स पर मिल सकते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन्हीं टाइप के बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके बाहर से आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम शुरू करेंगे मोडाल्स, है ना। ऑर्डिनरी वर्ब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम ऑक्सिलरीज पर आएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे मोडाल्स। सो होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।